हेलो। कोई हो तो मेरे को एक बार पिंग करके बताओ, आवाज आ रही है नहीं आ रही है। दोस्तों अभी चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। थोड़ा कलर गड़बड़ थे तो मैं कलर सही कर रहा था अभी। ठीक है, मैं कल जो था फर्स्ट मेन्यू आपको मैंने पढ़ाया अपना वर्ड का, एमएस वर्ड का। तो एमएस वर्ड में जैसे मैंने आपको बताया, एमएस वर्ड इज क्रिएशन फॉर द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंटेशन फॉर क्रिएटिंग मेल, लेटर, सम इम्पोर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, मेंशनिंग ऑल द यू नो लेयर ऑफ यू नो डॉक्यूमेंट फाइल्स वेयर यू कैन शेयर। सो अभी आज मैं बताऊंगा आपका दूसरा मेन्यू। चलो खोलते हैं पावर अपना एमएस वर्ड। एमएस वर्ड खोला तो ये एमएस वर्ड खुल रहा है। ये एमएस वर्ड खुल गया क्लोज। तो कल मैंने ये आपको बता दिया था फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट ऑन माय ब्लैंक ओनली। ठीक है, तो कल मैंने आपको फाइल मेन्यू बताया था। फाइल मेन्यू में क्या क्या होता है एक बार रिवीजन करा देता हूँ। फाइल मेन्यू में इन्फो, न्यू, ओपन, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। ठीक है, ये दो ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोनों। अभी चलते हैं दूसरे होम मेन्यू में। अभी होम मेन्यू को अगर मैं स्टेबल करना चाहता हूँ तो यहाँ से एक पिन होता है, इसको पिन को आप क्लिक करोगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा एडजेस। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें आज क्लियर कर दूंगा तो आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे होम टैब है, ये फर्स्ट वाला जो टैब है ये हमारा जो है काम आता है अपने तीन चार चीजों के लिए। जैसे फर्स्ट चीज है अपना, इसमें क्लिक किया हमने, देखो यहाँ पेस्ट है, पेस्ट स्पेशल है, सेट डिफॉल्ट पेस्ट है। तो इन तीनों का क्या यूज है मैं बता देता हूँ जरा। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट एक तरीके से क्या होता है, यहाँ से कॉपी किया इस जगह पर पेस्ट किया, पेस्ट का मतलब ये होता है। दूसरा पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल के बहुत सारे जो है यूज है जो आपको शायद नहीं पता होगा, वो आज मैं तुमको क्लियर कराऊंगा। ये मेन्यू थोड़ा बड़ा है तो ये एक दो दिन ले सकता है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस में ये करा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, ये सेट डिफॉल्ट पेस्ट, यानी कि डिफॉल्ट पेस्ट मतलब कोई भी, जैसे मैं कोई भी पेस्ट करता हूं तो वो एक डिफॉल्ट कोई भी चीज सेट हो जाए। जैसे मेरा नाम है, कोई भी नाम है, जैसे कोई मैं कोई भी चीज लिखता हूँ सबसे पहले उसका नाम लिखता हूँ, तो अगर मेरे को सेम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं उसका पेज का नाम सेट कर दूंगा, उस सेट डिफॉल्ट कर दूंगा उसको, वो डिफॉल्ट में पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पेस्ट। पेस्ट कैसे होता है, जैसे मान के चलो मैं एक मिनट में इस पर थोड़ा एनोटेशन कर देता हूं, बंद करते हैं उसको, एनोटेशन खोलते हैं। तो
तो जैसे ही दोस्तों हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो मैं कंप्यूटर ही तुमको सिखा रहा हूँ कि सब कंप्यूटर स्क्रीन ही है। तो मैंने क्या करा, मैं एक एनोटेशन खोल लेता हूँ। लेट्स डू द एनोटेशंस। ठीक है, ये हमारा आ गया, इसी से हम एनोटेशन करेंगे उसको। ठीक है, अभी इसको खोलते हैं। तो ये आ गया, अभी मेरे को एनोटेशन करनी है। तो मैं पेन लूंगा, जैसे मैंने ले गया रेड कलर, तो मैं यहाँ एनोटेशन कर पाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, तो एनोटेशन हटाना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा, अभी टच हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। अभी मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पे लिखता हूँ कुछ। जैसे मैंने लिखा, नाम लिख दिया इसमें, अब जीतेंगे, अब जीतेंगे। ठीक है, अब जीतेंगे नाम लिखा, इसको क्या करा मैंने, सेव कर दिया। अब सेव क्या करते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं, और हम, मैं यही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए अब ये सिलेक्ट कर दिया। अब मेरे को ये ना कॉपी करना है, तो यहाँ पर देख रहे हो तुम, कॉपी कट पेस्ट, ये तीन ऑप्शन होते हैं जो हम करते हैं। तो कॉपी यानी कि कोई भी चीज कॉपी कर ली, कॉपी मतलब जैसे कहते हैं ना, कॉपी मत कर दो मेरा, कॉपी मतलब एज इट इज मत कर। पेस्ट मतलब उसको एज इट इज उतार देना, कॉपी कट पेस्ट। अरे तू तो पास हो गया क्योंकि तूने कट कॉपी पेस्ट किया, मेरे से कट किया अपने में पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। तो मैंने क्या करा, यहाँ से ये कॉपी कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, जैसे यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे ये पेस्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा, तो जब राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आएंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं पेस्ट पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे अपना पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब कट कॉपी पेस्ट हो गया, तो बंद करते हैं ये, कट कट कॉपी पेस्ट समझ में आ गया। अब कॉपी एंड पेस्ट, अब मैं इसको कट मारूंगा, इस चीज को कट मारूंगा। ऐसे यहां से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लिया, इतना नहीं करना है, इतना करना। अब इसको मैं क्या करूंगा, कट मार दूं, कट मार दूंगा तो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, मतलब हट जाएगा यहाँ से, तो हट जाएगा। अब मेरे को यहाँ से क्या है, मैं आगे गया, ऐसे टैब मारा, मैं दो तीन टैब मारा, यहाँ यहाँ लाना मेरे को, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे नहीं रहेगा ये, यहाँ पे चला जाएगा, यानी कट ही जाएगा फिजिकली, यहाँ से कट होके वहां पे पेस्ट हो गया। कॉपी का मतलब है ये तो रहेगा ही रहेगा, अब तुम दूसरी जगह भी इसको यूज कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें किस तरीके का आएगा, क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि कट का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ कट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कॉपी, कॉपी और कट में क्या अंतर है। तो सिंपल है, कॉपी और कट में क्या अंतर है, कॉपी करोगे तो जो चीज है एग्जिस्टिंग वो एग्जिस्टिंग रहेगी और वो सेम चीज कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगी। कट में क्या होगा, ये जो एग्जैक्टली जो 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 भी चीज है जो एग्जैक्टली है वो एग्जैक्टली यहां से डिसअपियर हो जाएगी और जहां तुमको ले जानी है वो वहां चली जाएगी। ये कट का मेन डिफरेंस है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, अभी कट कॉपी पेस्ट हो गया, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या ऑप्शन है इसका, ये फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने ये क्या करा, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट कर दिया और इसका जो है मैंने साइज कर दिया 20, यानी कि ये बड़ा हो गया। अब तुम देखोगे ये छोटा है, ये छोटा है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो आप देख रहे हो फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि मैंने देखा कि उस घर का मकान का कलर ऐसा है और मेरे को भी ऐसा ही करवाना, तो यानी कि ये इतना बड़ा है। एक तो तरीका होता है कि मैं इसको सिलेक्ट करूं फिर वहां से चूज करूं, तो मेरे को इतना टाइम नहीं होता, जब बड़ा डॉक्यूमेंट होता है उतना टाइम नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, क्लिक कर दिया, ये यहाँ से फॉर्मेट फिल्टर पर क्लिक किया और मैं इस पर जाके इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इतना ही सिलेक्ट किया था तो पहला वाला ही बड़ा हो गया। अब मैं इसको ना पूरे को कम कर दूंगा, इसको कम कर देता हूँ, मैं क्या कर रहा, यहाँ से किया और इस पर क्लिक किया, देख रहे हो वो सेम सेम है, 20 और 20, तो उसका साइज जो है बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या क्या, फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब हो गया कि मैं उसको एज इट इज सेम फॉर्मेट में लाना चाहता हूं,
जो फॉर्मेट दूसरे टेक्स्ट का है, तो ये फॉर्मेट प्रिंटर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, तो इसमें एक दूसरा सेक्शन आता है जिसमें हम फॉर्मेट करते हैं चीजें। तो फॉर्मेट इसमें क्या होता है, जैसे जो टेक्स्ट होता है, जैसे मान लो ये अब जो है ब्लैक में होना चाहिए और जीतेंगे जो है, अब जो है ब्लैक में होना चाहिए, जीतेंगे जो है वो हो जाना चाहिए किसी दूसरे कलर में, ओनली टेक्स्ट नॉट बैकग्राउंड। तो ओनली टेक्स्ट के लिए क्या है, जैसे ये ए जो है ये टेक्स्ट के लिए यूज आता है, तो इतने सारे कलर्स होते हैं, कोई भी कलर ले सकते हो, तुम मोर कलर्स में भी जा सकते हो, उसमें से भी कलर ले सकते हो। मान के चलो मैं इसको, जैसे हमारा ब्लू कलर है जीके लिए, तो ब्लू कलर दिया, तो ये ब्लू कलर का हो गया, अब जो है वो उतने ही रहा, अब केवल ब्लैक रहा और ये जीतेंगे इज अ ब्लू। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अभी मेरे को इसका बैकग्राउंड भी डालना है, ठीक है, अब इसका मुझे बैकग्राउंड भी डालना है, तो बैकग्राउंड कहाँ से डालूंगा, ये वाला जो कलर होता है ए बी, इसका बैकग्राउंड मेरे को क्या देना है, इसका बैकग्राउंड देना मेरे को येलो, इसका येलो बैकग्राउंड हो गया और उसका कलर जो है वो हो गया। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, अच्छा ठीक है, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर में क्या अंतर है। फॉन्ट कलर बेसिकली अ टेक्स्ट पे अप्लाई होता है और बैकग्राउंड कलर उसके बैकग्राउंड में अप्लाई होता है, ठीक है। किसी भी चीज के बैकग्राउंड को कलर करना, दीवार पर जैसे कुछ लिखा हुआ है और दीवार पर पहले का बैकग्राउंड कलर दूसरा है, तो ऐसे ही ये पेज के बैकग्राउंड का कलर दूसरा है और हम उसको फिल कर रहे हैं फॉन्ट कलर दूसरे टाइप में और उसके बैकग्राउंड कलर, क्योंकि इसी के पीछे करना था मेरे को, ठीक है। अब मेरे को अब के पीछे करना है, तो अब के पीछे मैं जैसे करूंगा, ये सिलेक्ट हो गया, अभी मैं क्या करूं, देखो ये यहीं पे दे देता है, ये वाला जो बॉक्स है वो यहीं पे दे देता है, तो हम क्या करेंगे, अब यहीं से चूज करेंगे, अब मैं अब को जो है रेड करना चाहता हूँ, ये रेड हो गया, ठीक है। अब मैं इसके बैकग्राउंड का कलर जो है दूसरा करना चाहता हूँ, जैसे ये हो गया इसके बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो ये मैं आसानी से कर पाऊंगा। अब इसमें कुछ और भी ऑप्शन है, तुम देखो ये कुछ और भी ऑप्शन है, तो इसमें क्या है, जैसे अभी मेरे को ये अब जैसे जीतेंगे को मैंने सिलेक्ट कर लिया, जीतेंगे को क्या है, मेरे को चेक करना है इसका, मेरे को क्या करना है, इसके फॉन्ट चेंज करने हैं, जैसे फॉन्ट होता है, ये सब फॉन्ट साइज है इसके सब फॉन्ट साइज है, ये तुम देखो इतने सारे फॉन्ट होते हैं, इसमें तुम फॉन्ट डाल भी सकते हो, नए फॉन्ट डाल सकते हो, तो इसमें बहुत थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट होते हैं जो तुम डाल सकते हो, जैसे ग्रीक हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी में भी बहुत सारे हैं, मंगला है, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, जैसे तुम देखो तरनद करके एक वो है फॉन्ट जो हिंदी लिखने के काम आता है, ठीक है, तो इसमें तुम वर्ड में हिंदी कैसे टाइप कर सकते हो वो भी मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी जैसे मेरे को क्या करना है, मेरे को ना ये वाला कलर, ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा, तो मैंने ये लूंगा, तो इसका तुम देखो कि अलग ही चेंज हो जाएगा, उसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, तो कुछ जैसा वो है फॉन्ट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा, मैं कोई भी ले सकता हूँ यहाँ से, इट्स मैनी, बहुत सारे हैं इसमें देखोगे, कोई भी ले सकता हूँ, तो जनरली जो है जिसको जिस चीज की जरूरत है ना, वो वही चीज यूज करता है, तो तुम जो है यूज कर सकते हो। आवाज आ रही है रुचि आपको, एक बार मेरे को पिंग करके बताना, तो हम ये देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं इसको, एंड ये जो है जैसे ये बहुत सारे जो है फॉन्ट साइज है, ठीक है। अब दूसरी चीज सीखते हैं, तो अब इसमें जैसे माने चलो मैंने दिखाया ये इसका फॉन्ट का नेम है और ये फॉन्ट का साइज है, तो मैं इसका जो भी चीज सिलेक्ट करूंगा, जैसे माने चलो एक पैराग्राफ को मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना है और एक पैराग्राफ को मेरे को थोड़ा सा छोटा रखना है, जैसे हम जीतेंगे के नीचे मैं डाल देता हूँ, अब इसके नीचे आते हैं, जैसे एंटर मारा तो इसी के नीचे चलते हैं, यहाँ आया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ स्टडी लिख देता हूँ, स्टडी लिखा, तो अब मैंने क्या करा, इसके नीचे आ रहा है, तो इसके नीचे जब मैं अब इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब एक ऑप्शन होता है तुम यहां से चेंज कर लो और एक ऑप्शन होता है तुम यहां से चेंज करो, ठीक है। अब क्या होता है मैं दिखाता हूं तुमको,
ये वाला जो ये जो तुम देख रहे हो ये नाम जो है, अगर तुम ये नाम को किसी दूसरे स्टाइल में लेना चाहते हो तो वो स्टाइल आसानी से यहीं से चेंज कर सकते हो। ये वाला जो टैब होता है दूसरे मेन्यू के, होम मेन्यू के सेकंड वाले टैब में जो है, ये इसको आसानी से ले सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम ये जो होता है ना छोटा सा पॉइंटर, यहाँ से और ये एक्सपेंड हो जाता है। मैं तुमको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे इसको यहाँ हटाते, यहाँ इसको लेते हैं, तो यहाँ से जैसे ही मैं इसको एक्सटेंड करूंगा थोड़ा, तो तुम देख रहे हो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत सारी चीजों पे ही क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या लिखे हैं, इसका क्या है, ये क्या नहीं है। तो वो जनरली कंप्यूटर के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि वो बहुत ही नॉर्मल होता है। उसमें मार्क लेना मतलब इट्स जस्ट अ सिंगल पॉइंट। जैसे आप मान के चलो इसके अंदर क्या है, फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली के अंदर इतने सारी चीजें हैं। अब मैंने सिलेक्ट क्या कर रखा है, स्टडी सिलेक्ट कर रखा है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है स्टडी सिलेक्ट कर रखा है, ये प्रीव्यू है। तो प्रीव्यू में वो ही चीज दिखाता है जो तुमने सिलेक्ट कर रखी हो। इसके बाद क्या है, तुम इसका यहीं से कलर चेंज कर सकते हो, इसको तुम अंडरलाइन कर सकते हो कोई भी टाइप की। जैसे लाइन अगर तुमको लिखनी है, जैसे इसके अंदर मेरे को ये लाइन लाइन लिखनी है तो ये इसके नीचे लिख जाएगी, देखो तुमने लिख दी होगी। इसके बाद जो है मेरे को अंडरलाइन का कलर भी, अगर मैं इस अंडरलाइन के कलर को दूसरा करना चाहता हूं तो ये कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके इसके बाद जो है तुम अगर इटैलिक करना चाहते हो, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा होता है, तो तिरछा जैसे मैं इसको बोल्ड इटैलिक करूंगा तो ये इस टाइप से थोड़ा सा झुक जाएगा, अपने आप से स्टाइलिश हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। रेगुलर में रखोगे तो ये सीधा रहेगा। और साइज में यहां से आसानी से कोई भी साइज कितना भी बड़ा ले सकता हूँ, जैसे मैंने 36 लिया तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब स्मॉल कैप क्या है, तुम देखो स्मॉल कैप क्या है, जब ये जैसे ही मैंने स्मॉल कैप करा तो इसका अपने आप से स्टाइल ही चेंज हो गया। ऑल कैप, तो ये इनके क्या है, इफेक्ट्स हैं इसमें, इफेक्ट्स हैं। तो मैं इसके साथ में कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो आसानी से। एक एक ये है, इसको मतलब तुम जैसे बहुत देखा होगा, तुमने नाम लिखे होंगे उसके बीच में लाइन लगी होती है, तो जनरली क्वेश्चन रहता है लोगों के पास, तो यार ऐसी ये ऐसे कैसे लिखा, अलग से डाला, नहीं ये तुम देखोगे स्ट्रिक्ट थ्रू होता है ये। यहां से तुम जैसे ही इसको अनसिलेक्ट सिलेक्ट करोगे तो वो नाम में अपने आप से एक लाइन जोड़ देता है, वो स्टाइल है, इफेक्ट है बेसिकली। यहाँ पर ये देखो ये डबल हो जाएगा, यहां से तुम देखो थोड़ा सा ऊपर चला गया। जैसे क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं ना फर्स्ट लिखते हैं, तो फर्स्ट में हमको जो वर्ड है वो ऊपर लिखना है, तो वो ऊपर कैसे जाएगा, यही वाला होता है वो ऊपर, फर्स्ट वन लिख के फर्स्ट ऊपर हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट होता है वो, और इसको सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट में भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि इसको नीचे कैसे ले जाएं, ऊपर तो ले गया नीचे कैसे ले जाएं, तो ये नीचे आ जाएगा वो उसके। तुमने बहुत सारे देखा होगा कि वन नीचे करके उसमें वैल्यूज आ जाती हैं, तो वो वैल्यूज कैसे आती हैं, वो इन्हीं चीजों से आती है, ये फॉर्मेटिंग है फॉन्ट का, ठीक है। तो अभी हम एडवांस में और देख लेते हैं इसमें क्या है। एडवांस में, एडवांस में देखो कैरेक्टर स्पेसिंग। अब ये कह रहा कि ये जो कैरेक्टर है, अगर इसके बाद कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है तो अगर इसमें स्पेस देना है कुछ भी करना है, तो ये 100% दिखा रहा है, मतलब एक ही स्पेस देगा वो 100% एक्यूरेट रहेगा। मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, मैं ज्यादा दे सकता हूँ, कम दे सकता हूँ, ठीक है। 200% दे सकता हूँ और इसको नीचे भी ला सकता हूँ, कम स्पेस हो अच्छा इसके बीच में, ठीक है। मैं इसको तुम्हें अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये दो वर्ड है, ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट किए, अभी हम चलते हैं इसके अंदर, अभी हम एडवांस में इसके क्या करते हैं, इसका कम करते हैं। तुम देख रहे हो इनके कम हो गया ये, अभी मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये बड़ा हो गया, स्ट्रेच हो गई, वर्ड्स जो है स्ट्रेच हो गए। तो इसको हम जनरली 100% ही रखते हैं क्योंकि हमको बिगाड़ नहीं होता वो, ठीक है। अब ये क्या है, स्पेसिंग, नॉर्मल स्पेस है, एक्सपेंडेबल स्पेस है, जैसे मैंने एक्सटेंडेड किया तो एक्सटेंडेड हो गया। इसके बाद जो है कॉन्सेंस किया तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है,
तो ये जनरली स्टाइल देने के लिए होते हैं कि तुम अपने कैरेक्टर को स्टाइल दे सकते हो अच्छे से अच्छा। ओपन टाइप फीचर्स में भी ये बहुत सारे स्टैंड ओनली, स्टैंडर्ड ओनली, स्टैंडर्ड एंड कॉन्टेक्चुअल, हिस्टोरिकल, तो ये सब जो है क्या होते हैं, ये हमारा जनरली क्वेश्चन क्या आता है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो बोलेगा तुमको एग्जाम में बोलेगा सिंपल कि ये बताओ कि हमारा पैराग्राफ अगर लिखा हुआ है एक उसमें वर्ड की फाइल में, तो उस पैराग्राफ में हम जो है उसका कलर चेंज कहाँ से करेंगे। तो तुम क्या बोलोगे, हम होम मेन्यू में जाएंगे, होम मेन्यू के बाद में हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, फॉर्मेट मेन्यू के बाद में हम जो है फॉन्ट का कलर चेंज कर देंगे कोई भी आसानी से। तो एक ही कलर हो गया इन दोनों का, सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से जनरली, अगर तुमने एक बार समझ लिया ओके यार इसमें इतनी इतनी चीजें हैं, इसमें इतनी चीजें हैं, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सब यहीं पे होगा। तो हम क्या एक बार अगर हमने सीखा, अच्छा ये डायलॉग बॉक्स का ये यूज है इससे एक बार में, तो तुम बता दोगे होम के अंदर दिस, होम के अंदर दिस, होम के अंदर गो टू फॉन्ट एंड फॉन्ट फैमिली के अंदर रेगुलर इटालिक, बोल्ड एंड बोल्ड इटालिक, बस दैट्स इट। तुमको बस इतना याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है। अब जैसे ये सिलेक्टेड है, अब मेरे को क्या है, इसका क्या यूज है, ये तुम देखो इसका क्या यूज है, इसका ये हेडिंग से मैं इसको हेडिंग देना चाहता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो 26 हो गया, अनसिलेक्ट करूंगा तो 20। अब जैसे बढ़ाता जाऊंगा घटाना है मेरे को, ऐसे घटा सकता हूं मैं, इसका फॉन्ट साइज घटता जाएगा। अब इसको जो है जैसे ये है, अब इसके से लोअर केस में, अब ये तुमने देखा होगा ये ए भी बड़े केस में है, यहाँ पे ए कैपिटल लेटर है। अगर मेरे को इसको स्मॉल लेटर करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको जैसे ऑल सारे कैरेक्टर लोअर केस होने चाहिए, तो मैं लोअर केस, ये सब कैरेक्टर लोअर केस हो गए। अब मेरे को क्या है, जैसे अब दोबारा से थोड़ी लिखूंगा मैं, कोई बहुत सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसको दोबारा थोड़ी लिखूंगा, दोबारा लिखने से तो बेवकूफी होगी, वो पूरा राइट करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को यह पूरा ये अपर केस में करना है, अपर केस मतलब कैपिटल में करना, तो कैपिटल में हो जाएगा। ऐसे ही जिसको कैपिटल ईच वर्ड, तो ये क्या है कैपिटल ईच वर्ड में देखोगे तो पहला जो वर्ड होगा, इनका पहला वर्ड होगा वो अपने आप से कैपिटल में होगा, ए कैपिटल हो गया, जे कैपिटल हो गया, बाकी सब छोटे हो गए, स्मॉल कैरेक्टर हो गए। ऐसे ही हमको अगर पूरा पैराग्राफ जैसे 10 पेज है, और 10 पेज में मेरे को ये कहना कि हर लेटर का पहला वर्ड जो है कैपिटल हो जाए, बाकी सब छोटे रहे, तो मैं डायरेक्टली यहीं से जाके कर सकता हूँ। ठीक है, टॉगल केस में क्या है कि टॉगल केस में ये होता है कि पहला लेटर छोटा होना चाहिए, बाकी सब बड़े होने चाहिए। तो टॉगल केस जैसे मैं चूज करूंगा तो ये पहला ए छोटा हो गया, बाकी सब बड़े हो गए, जे बड़ा छोटा हो गया, बाकी सब बड़े हो गए, सिंपल। ये सारी चीजों, सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में सिंपल है, जो हम जैसा हमने लिखा होगा वैसे ही जो लग जाएगा। अब इसके बाद जो है ये आता है बोल्ड इटालिक, मेरे को ये इटालिक में करना है। इटालिक होता क्या है, इटालिक थोड़ा सा ऐसा होता है तिरछा सा होता है, जिसमें वो ऐसे करके स्टाइलिश हो जाते हैं थोड़ा करेक्टर। अब मेरे इसके अंडर नीचे अंडरलाइन करनी है, तो यहाँ यू होता है अंडरलाइन हो जाएगा इसके नीचे। अब मेरे को कौन सी लाइन लेनी है इसमें, जैसे ये लेनी है, जैसे वो हो गया, लाइन लग गई उसके नीचे, सिंपल। तो मेरे को ज्यादा चीजें नहीं समझनी है, क्योंकि ज्यादा चीजें समझोगे तो वो सारी चीजें भूल जाओगे। हमको क्या समझना है, अगर कोई पूछता है अच्छा तुम्हें फॉर्मेट करना है कोई पैराग्राफ, तो सीधे बोलो होम में जाना है, होम के अंदर जो फॉर्मेट वाला टैब है वहां से जाना है, और वहां उसके अंदर फैमिली के अंदर है, बस दैट्स इट। वो तुम्हें पीछे नहीं पूछेगा कि फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, ये हो गया, वो ये पूछेगा ये कहाँ से मिलेगा, तो तुम्हें होम के अंदर मिलेगा, होम टैब में फॉर्मेट के अंदर, दैट्स इट, नथिंग। ये हो गया हमारा। अब थर्ड वाला तुम देखोगे तो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में क्या है कि जैसे मैं तुम्हें यहाँ एक पैराग्राफ लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं ठीक है, ये पैराग्राफ लिख गया, अभी एक पैराग्राफ है जो यहां से लेके यहां तक है। अब यहां से अगर मैं इस पैराग्राफ को अगर चेंज करना चाहता हूं, तो मेरा मेरे पास ना इस होम टैब में ही एक पैराग्राफ टैब दे रखा है, जैसे फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, ऐसे ये टैब दे रखे हैं। तो मैंने क्या करा, क्लिप बोर्ड का मैंने यूज सीखा,
फॉन्ट का मैंने रजिस्ट्री का, अब मैं पैराग्राफ का सीखूंगा। मेरे से कोई बंदा बोलता है कि इस पैराग्राफ को ना यार थोड़ा सा सेंटर में होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। तो ये यहाँ सेंटर में करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, इसको मैं अगर इधर करूंगा तो ये इधर चला जाएगा, इधर से छोटा बड़ा हो रहा है। अगर ये मेरे को अगर एकदम फिक्स करना है तो ये फिक्स हो जाएगा, इधर से भी सेफ है और इधर से भी सही है। मतलब मेरे को साइज करना है पूरा, साइज हो जाएगा। उसके बाद वो बोलेगा नहीं नहीं इसके अंदर मेरे को एक बुलेट पॉइंट डाल के दे दो, यानी कि वो जैसे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। तो सिंपल है, यहाँ से जाओ इसको चूज करो और इसमें से जो सा लगना चाहिए लेना है। तो ये आ गया यहाँ पे, इसको हटाना है मेरे को, यहाँ से जाओ इसको हटा दो, सॉरी ऐसे यहाँ से हटा दो, नन कर दो यहाँ से, नन का ऑप्शन हट जाएगा वहां से, ठीक है। अब इसको क्या है, जैसे मेरे को कोई दूसरा लेना है, जैसे ये लेना है ये ले लो, ये हो जाएगा। अब जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं जैसे वन पॉइंट में ए बी सी डी, तो वन पॉइंट में ए बी सी डी सब यहीं से आएगा, पैराग्राफ में ऑप्शन रहते हैं। तो ऐसे जिसको मेरे को नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कर लो, जैसे ये है यहाँ पर ऐसे ये डालना है तो ये डाल जाएगा वन फर्स्ट। मेरे को इसमें से जैसे इसमें क्या है, इसमें सारे ही होंगे 1 2 3 4 5, इसके अंदर जैसे मेरे को लिखना है एक पॉइंट के अंदर इस तरीके से लिखना है, हेडिंग 1 फिर हेडिंग 1.1 1.123 1.4 इस तरीके से लिखना है। तो ये हम एक हेडिंग अपने आप से चूज कर सकते हैं, बहुत सारी इसमें फॉर्मेटिंग होती है पैराग्राफ में। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि अच्छा ओके यू वांटेड टू, कोई कहता है कि तुमको ना पैराग्राफ सही करने का तरीका क्या होता है वर्ड में, तो तुमको सीधे बोलना है होम टैब में जाओ, होम टैब में एक टैब होता है पैराग्राफ, उसके अंदर वी हैव सेंटर लेफ्ट राइट ये सारी चीजें होती हैं। उसमें आसानी से ज्यादा बुलेट पॉइंट कहां से लगाते हैं, क्वेश्चन आता है कि वर्ड में बुलेट पॉइंट कैसे लगाते हैं, सिंपल आंसर है गो टू होम मेन्यू चूज पैराग्राफ देयर इज अ बुलेट पॉइंट दैट्स इट नथिंग क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी में लोग चकरा जाते हैं, अरे वो कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, इंसर्ट में है होम में है डिजाइन में है किस में है, सिंपल है। इसको याद करने का तरीका सीखे, अगर कोई फॉर्मेट कर रहे हो होम टैब में जाओ, फॉर्मेट में फॉन्ट पैराग्राफ स्टाइल दैट्स इट। तो अभी हम पैराग्राफ सीख रहे हैं, पैराग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि पैराग्राफ को कैसे मैनेज करते हैं। अब ये क्या है, ये देखो ये क्या है, कुछ नहीं हो रहा इसमें, तो ये क्या, मैं इस पैराग्राफ को अगर ये उल्टा तिरछा है तो मैं इससे इधर कर सकता हूँ, इससे इधर कर सकता हूँ, ये इधर चला जाएगा, इससे ये इधर आ जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे वजह से अब एक पैराग्राफ यहाँ लिखा था, अब जीतेंगे, अब ये मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूंगा इस तरीके से कर दूंगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इस पैराग्राफ के नीचे उसको कैसे लगा सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गया, अभी मेरे को लगा नहीं नहीं यार इसके नीचे ही लाओ, तो मैं इसको क्या करूंगा इसके नीचे ले जाऊंगा, दैट्स इट, पैराग्राफ को मैनेज कर सकता हूँ इजीली। अब इसमें क्या है, सेटिंग जैसे बहुत सारे नंबर डले होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन वो जिगजैग तरीके से हैं। चलो मैं दिखा देता हूं, मैंने क्या करा यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं, एक टेबल इंसर्ट किया जैसे दो कॉलम का, ठीक है ये दो कॉलम का हुआ। अब मैंने डाला यहाँ पे, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा, यहाँ डाल दिया मैंने 1, यहाँ डाल दिया मैंने 2, ठीक है। तो अभी ये जैसे 1 2 है, अभी वो कह रहा है कि तुम इसको ना मार वो करो डिसेंडिंग में करो, तो डिसेंडिंग में कैसे होगा, ये डिसेंडिंग में होगा तब ना जब हम इसको करेंगे, जैसे अभी सिलेक्ट कर दे, अब मेरे को डिसेंडिंग में करने है। ये कह रहा कौन सा कॉलम चाहिए, एक यही कॉलम चाहिए अपने को, तुमने क्या कह रहा ओके बोला, इसमें नंबर से डेट से टेक्स्ट है, कॉलम है कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 में कर रहे हैं हम लोग। तो जब बहुत ज्यादा नंबर होते हैं तो पूरा ये चीज मैं तुम्हें एक्सेल में सिखाऊंगा, और एक्सेल को ही हम इसमें वर्ड में
वर्ड में जो है सीखेंगे कि किस तरीके से बेस्ट यूज कर सकते हैं इस असेंडिंग डिसेंडिंग का, ठीक है। तो ये हमेशा असेंडिंग में रहेगा, वन टू थ्री चलेगा। अगर ये थ्री टू फोर कर दिया है किसी ने तो ये वन टू थ्री फोर हो जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर है इसके, ठीक है। और इसके लिए अगर मेरे को ये कलर है, इसका कलर देना है तो इसके टेबल का कलर हो जाएगा इसके पीछे बैकग्राउंड कलर। और इसके इसके इसी के अंदर मेरे को अगर इसका जो है ये लाइन वाइन हटानी है, नंबर डालना है, तो तुम देखो ये मैं नन करूंगा तो लाइन वाइन हट गई उसकी टेबल की, केवल नंबर नंबर देखेंगे, कॉलम वॉलम देखेंगे। और मेरे को अगर लाइन जोड़नी है तो बस मैं यहाँ से जाऊंगा, जैसे ये ले लूंगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पूरे पूरे बॉक्सेस में आ गया, टेबल जैसे होती है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने फॉन्ट सीखा, आज हमने पैराग्राफ सीखा, और आज फिर हम कल जो है स्टाइल सीखे। स्टाइल को भी मैं खत्म कर देता हूँ, ये भी 5 मिनट का काम है। तो स्टाइल में क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये है, इसको मैं जरा नीचे कर देता हूँ, ये है, जैसे ये है। अब इसमें कह रहा है यार तुम इसको ना एज ए हेडिंग लो, यू जस्ट चूज एज ए हेडिंग। तो मैं क्या कर रहा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ऐसे सिलेक्ट कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसका हेडिंग चेंज करना चाहता हूँ, स्टाइल। तो यहां पर क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल्स दे रहा है, तो मैं कौन से स्टाइल में चाहिए, अच्छा मेरे को इस स्टाइल में चाहिए, उस स्टाइल में आ गया, मेरे को ये किसी दूसरे स्टाइल में चाहिए। जो बेसिकली दिस इज फॉर हेडिंग्स, जो हेडिंग्स होते हैं उनके स्टाइल्स के लिए होता है, ये इसमें चाहिए, तो उस फॉर्म चला जाएगा। मेरे को ये ब्लैक में चाहिए, ये ब्लैक में चला जाएगा, तो इट इज स्टाइल्स। तो मैं स्टाइल चूज कर सकता हूँ जो हेडिंग्स डली होती हैं। अब तो ये तीनों चीजें आज मैंने कवर करा दी। इस तीनों चीजों में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आने वाले समय में बताऊंगा, जिसके क्वेश्चंस बनते हैं। तुमको कोई बोले, तुमको क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि कंप्यूटर में वो चीज बताओ जहां से हम हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, हेडिंग की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सिंपल आंसर, सिंपल है, गो टू होम टैब एंड गो टू स्टाइल एंड चूज योर हेडिंग स्टाइल, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आज कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे तुम इसको देखो, इसको देखो, ये वाला जो ऑप्शन है ये है, ये वाला जो है, इसमें ये वाले पैराग्राफ में अगर कोई तुमको पूछे, तुमको बोले, जैसे ये सही से लिखा होता है ये पैराग्राफ, तुमको पूछता है इसमें जितने भी डी हैं, इसमें जितनी बार भी डी आया है उसको फाइंड करो या रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये वाला जो छोटा टैब है यहाँ पे, ये वाला तुम देखोगे, ये वाला ये पर्टिकुलर चीज को फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे मैं अगर फाइंड यूज करूं इसको, जैसे फाइंड यूज करूं तो फाइंड में क्या होगा, फाइंड में क्लिक करूंगा तो ये मेरे को फाइंड कर देगा। अब मेरे को पता करना है, यहां मेरे को टेक्स्ट लिखना है, क्या फाइंड करना है, जैसे मेरे को अब यही फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, एक अभिजीत सिंह यहाँ लिखा हुआ, एक अभिजीत सिंह यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा हो सकता है, एक कहीं और लिखा हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों जगह फाइंड कर सकता हूं कि चीजें कहां पर हैं मेरे पूरे टेक्स्ट में, ठीक है। अब मेरे को करना है अभिजीतेंगे को रिप्लेस करना है, अगर अभिजीतेंगे लिखा हुआ है तो मेरे को अभिजीतेंगे की जगह पर लिख दो ABJ, ठीक है। तो मैं इस पर रिप्लेस पर क्लिक करूंगा तो ये आ गया। तुम देखो ये अब जीतेंगे को रिप्लेस करना है, मेरे को किससे रिप्लेस करना है, मेरे को रिप्लेस करना है ABJ, इस चीज को रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पर्टिकुलर को भी रिप्लेस कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसमें जैसे सिलेक्टेड है इसको रिप्लेस कर सकता हूं, जैसे रिप्लेस, तो ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब मैं रिप्लेस ऑल भी कर सकता हूं, जहां जहां लिखा होगा पूरे डॉक्यूमेंट में वो रिप्लेस हो जाएगा, ABJ
ए भी यहां लिखा था, अब जीतेंगे यहां लिखा हुआ था, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, फाइंड रिप्लेस। ऐसे ही सिलेक्ट है, सिलेक्ट में क्या होता है, जैसे मान के चलो तुमसे कोई भी, अच्छा ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में जहां जहां मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, जहां जहां पुलिस लिखा हुआ है, उसकी जगह पे पुलिस विभाग कर दो, तो तुम क्या करोगे, वही फाइंड रिप्लेस करोगे, फाइंड करेगा रिप्लेस कर देगा सारी जगह पूरे पैराग्राफ में एक बार में, ठीक है। ऐसे ही ये सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये पूरा जितना भी लिखा होगा इस पेज में वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। बंद करते हैं, तो ये तुम देखोगे ये सब सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं पूरा नहीं करना चाहता, मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूं अपने हिसाब से, कोई भी अगर यहां पे जैसे कोई बना हुआ है ट्राइंगल रेक्टेंगल, वो अपने आप से सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो उसे मुझे अपने आप से सिलेक्ट करने की, बार बार सिलेक्ट करने की जगह पे ये यहीं से सिलेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली ऑटोमेटेड, ठीक है। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा, यानी कि जो जहां पे ये वाला फॉर्मेट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा सारा डेटा, ठीक है। तो कर्सर जहां पे होता है वो चीजें वहां से एडिटिंग होती है। तो आज मैंने होम टैब कंप्लीट करा दिया आपका, इस होम टैब में भी मैं और चीजें कंप्लीट कराऊंगा जब आपका एक्सेल क्लासेस करूंगा, क्योंकि वो एक्सेल का पार्ट होता है, वो वर्ड में होता है, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन जो है, अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा फॉर्मेटिंग कहाँ से करते हैं, टेक्स्ट का कहाँ से करते हैं, फॉन्ट कहाँ से चेंज करते हैं, तो ये सब होम टैब में आते हैं, आप आसानी से इसको क्लियर कर पाओगे एक बार में, ठीक है। आज के लिए एक बात, ठीक है, फिर कल हम इंसर्ट करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, फिर लेआउट करेंगे, पूरा ऐसे ही मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, जिससे आपकी कोई चीज छूटे ही ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।